फिर यहाँ क्यों आ गए? क्या चाहिए आपको? आप चले जाइए और दोबारा यहाँ मत आइए, नहीं तो मैं अपनी तमीज तहजीब सब भूल जाऊंगा। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि उससे मुझे आपके बेटे की याद आती है और उसने जो किया। देखिए मैं चला जाऊंगा यहाँ से, पहले देखिए मिस्टर गोयनका, ये समय ठीक नहीं है हमारी बातचीत के लिए, आप जाइए यहाँ से। मिस्टर सिंघानिया, आई अंडरस्टैंड, मेरा इस वक्त यहाँ आना, मगर मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे के बारे में पूछने आया हूँ। कार्तिक, मेरा बेटा कहाँ है? हमें क्यों पता होगा आपका बेटा कहाँ है? हमें नहीं पता, आप प्लीज यहां से चले जाइए। मैं आपसे बहुत अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, आप भी अगर अच्छी तरह जवाब देंगे तो बेहतर होगा। I just want to know, मेरा बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा ना, उन्हें नहीं पता आपका बेटा कहाँ है। हम में से किसी को नहीं पता आपका बेटा कहाँ है। तुम कहोगी और मैं मान लूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो यहाँ आया होगा। जी हाँ, वो यहाँ आया था। लेकिन अब यहाँ नहीं, मुझसे बात करने आया था और हमारी बात हुई थी, लेकिन यहाँ नहीं, वहां जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, वहां से वो कहाँ गए, कब गए, ये मुझे नहीं पता। और अब अगर आपको एतराज ना हो, हम मामा के लिए पूजा शुरू करें। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सब लोग ये पूजा शांति से कर लें, इसीलिए मेरे सवालों के जवाब दे दें और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बता तो दिया है मैंने आपको, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं कुछ कर सकती, लेकिन अब अगर आपका बेटा इस घर में आया तो मैं आपको खबर करवा दूंगी, आई प्रॉमिस। फिर आप ले जाइएगा उसको, क्योंकि अब उससे मिलना तो मैं भी नहीं चाहती। मिस्टर गोयनका, अब आप भी जाइए प्लीज। मिलने वो तुम्हें यहाँ आया था और बात एक्सीडेंट स्पॉट पर हुई, तुम लोग वहां पहुंचे कैसे? बोलो। वो कुछ नहीं बोलेगी। मिस्टर सिंघानिया, बेटा है वो मेरा, हक है मुझे उसके बारे में पूछने का। बेटी है ये मेरी और मुझे हक है कि कोई इसे परेशान करे तो मैं उसे। आप अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया। लाइन तो आप क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर गोयनका। हमारे घर में हमें धमकी मत दीजिए, आप चले जाइए यहाँ से चुपचाप। मनीष जी, आप चलिए यहाँ से प्लीज। नहीं सुनना, मुझे पहले मेरे सवालों के जवाब चाहिए। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, प्लीज चलिए यहाँ से। ये भी आपको शायद वही बताना चाह रही है लेकिन हमारे सामने कह नहीं पा रही है, लेकिन आपको वही ले जाना चाहती है, राइट मिसेस गोयनका? हमने सच कहा था कि हमें नहीं पता आपका बेटा कहाँ है, और मेरी बेटी ने आपसे कहा था कि हमें जैसे पता चल जाएगा हम आपको बता देंगे। तो सुनिए, आपका बेटा पुलिस स्टेशन में है। इंस्पेक्टर का फोन आया था, कार्तिक ने खुद वहां जाके सरेंडर किया है। उसे कोई डर है या एहसास है गलती का या कुछ और, पर फिलहाल वो पुलिस स्टेशन में है। ये सच कह रहे हैं, अखिलेश को इंस्पेक्टर का फोन आया था। ओ, तो ये बातचीत हुई थी तुम्हारी। इल्जाम कोई दूसरा लगाए या इंसान खुद सरेंडर करे, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक मेरे बेटे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और बिना सबूत के गुनाह साबित नहीं हुआ करते। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। जो गुनाह तुमने नहीं किया
तुम उसकी सजा क्यों लेना चाहते हो कार्तिक? क्योंकि मायरा को ऐसा लगता है कि वो गुनाह मैंने किया। We can challenge it. तुम्हें पता है? पापा ने तुम्हारे लिए शहर के सबसे बड़े लॉयर को बुलाया। वो यहाँ आएंगे, तुमसे मिलेंगे और तुम उन्हें प्लीज सब कुछ ठीक ठीक बता देना, ओके? उसका कोई फायदा नहीं। It's an open and shut case, कीर्ति। एक्सीडेंट मुझसे हुआ है, that's it. Oh, that's not true, कार्तिक। खुद ही लॉयर, खुद ही गवाह, खुद ही जज बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो कार्तिक? तो क्या करूं मैं? नायरा और उसकी फैमिली को और हर्ट करूं, उन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाऊं, उन्हें गलत साबित करूं? ठीक है कार्तिक, मैं जैसा ठीक लगे ना तुम वैसा ही करो। ऑल द बेस्ट। नायरा से कुछ कहना है? मैं फोन कर दूंगी उसे। कहने के लिए अब कुछ बाकी नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।